राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ का बड़ा आयोजन किया गया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस आयोजन के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम और हमारी सरकार लगातार आप सबके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम मिलजुल कर पूरे प्रदेश में अपनी संस्कृति को इसी प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में प्रदेश भर से ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी सहभागिता निभाई। कहा जाता है कि समय में जिस विद्यालय में 6 महीने का काम लगी तो हमारे महापुरुषों ने हमारे गुरुओं ने अपने शिष्यों से कहा कि हमको पिछड़ा में कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ पिछड़ा में चाहिए तो वेद पुराण और उपनिषद आप कंठस्थ करके अपने शिष्यों को याद कराने के लिए काम करें। आज हम कह सकते हैं, आज अगर हमारे उपनिषद वेद पुराण तो हमारे पूर्वजों की वजह से है जिन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया लेकिन अपनी संस्कृति से समझौता नहीं। ब्राह्मण समाज ने सदैव अगली पंक्ति में रह करके समाज का नेतृत्व किया है। आज हम लोग की जो संस्कृति और सभ्यता है आज ये बरकरार है, इसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो ब्राह्मण समाज का है, और सबसे बड़ा आदर के कोई समाज है तो केवल ब्राह्मण समाज है, और वो सदियों से इस देश के लिए वो संदेश देता रहा है देश को। आज लखनऊ में ब्राह्मण महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर पूरे प्रदेश से पूरे देश से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, राजेंद्र त्रिपाठी जी का आभार प्रकट करता हूँ, श्रद्धेय पूज्य संत महात्माओं का अभिनंदन करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि हम और हमारी सरकार लगातार आप सबके लिए आपके हितों के लिए काम कर रही है और हम सब मिलजुल करके अपनी सनातन संस्कृति को इसी प्रकार पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मजबूती देने का काम करेंगे।